नमस्कार दोस्तों, गर्मियों की रफ्तार आप सब देख रहे होंगे कि किस तरह से टेम्परेचर बहुत ही हाई बढ़ रहा है। तो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि अपने एसी को 1 घंटा या 1.5 घंटा या 2 घंटा या 5 घंटा या 24 घंटा चलाकर आपने कितना बिजली बिल खपत किया, इससे आपको कितना बिजली बिल का भुगतान करना पड़ सकता है। ऐसे में आप लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि कितना बिजली बिल एसी हमारा ले रहा है, हमारा इनकम सोर्स उससे कम ना हो जाए, उससे लॉस ना हो जाए। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इसे पूरा समझते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के कैलकुलेटर को ओपन कर लेना है या फिर कलम कॉपी लेकर बैठ जाना है। तो देखिए गाइस, सबसे पहले आप स्क्रीन पर जो फोटो देख रहे होंगे वो आपका एसी में इंडोर के साइड में लगा हुआ होता है, जिसमें आपको कूलिंग कैपेसिटी देखने को मिलती होगी। ये कूलिंग कैपेसिटी आपके जो मशीन की वाटेज होती है वो निर्धारित करती है कि आपका एसी कितने वाट का है, और इसी को हम कूलिंग कैपेसिटी कहते हैं। जैसा कि बता दें, ये कूलिंग कैपेसिटी आपके एसी का लोड होता है और इतने पे ये चलता है। देखिए गाइस, जब तक आप एसी के इस चीज़ को नहीं पता लगा सकते तो आप बिजली बिल नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, 1 टन का एसी लगभग 3500 वाटेज के आसपास होता है, और आपको बता दें कि 1.5 टन 5250 वाटेज के आसपास होता है, और 2 टन का लगभग 7000 के आसपास, यानी 6300 के आसपास आ सकता है। ऐसे में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 1 टन के लिए हम 3500 गुना समय लिखा है। मैंने समय इसलिए लिखा है ताकि आप 1 घंटा चलाते हैं तो 1 से गुना कीजिए, 2 घंटा चलाते हैं तो 2 घंटा से गुना कीजिए। इस प्रकार आप कोई व्यक्ति 24 घंटा चलाता है, यानी एक दिन में 24 घंटा चलाता है, तो 24 से मैंने गुना कर दिया तो इस प्रकार हमारा 84,000 वाट निकल गया। अब इसे हम यूनिट में निकालेंगे या किलो वाट में निकालेंगे तो हमें 84 प्राप्त होगा, यानी 84 यूनिट एक दिन का निकल गया। ऐसे में व्यक्ति कोई एक दिन में 24 घंटा नहीं चलाता है, लेकिन हम कैलकुलेशन में बता रहे हैं आपको, आपको जितना से चलाते हैं, जितना घंटा चलाते हैं एसी, उतना से ही गुना कीजिएगा। इस प्रकार हमारा 84 यूनिट निकल गया। एक दिन का हम क्या करेंगे, 84 से गुना कर देंगे, और 84 से हमने गुना किया तो इसका रुपया निकल गया प्रति दर यूनिट से, जितना यूनिट उठा है, और इस प्रकार हम उसे 30 से गुना कर देने से वो महीने का आपका खपत निकल जाएगा। इस प्रकार आप अपने एसी का, किसी भी एसी का आप बिजली बिल निकाल सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और हाँ, वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा किसी भी प्रकार का डाउट है। तो तब तक मिलते हैं एक और नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।